बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले बाहुबली और रामविलास पासवान के करीबी रहे लोजपा के पूर्व महासचिव काली पांडे कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर एवन टीवी संवाददाता प्रीत किरण ने की काली पांडे से खास बातचीत। पार्टी में शामिल हुए काली पांडे, उन्हीं से बात करते हैं, वजह क्या है कांग्रेस में शामिल होने की, क्या बिहार चुनाव में प्रचार करेंगे या चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ है उनके, क्या चुनाव लड़ेंगे इस बार आप कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस में शामिल हो गए? मेरा शामिल होने का उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है, शामिल होने का एकमात्र उद्देश्य है कि कांग्रेस को मजबूत करना। अगर पार्टी आदेश देगी लड़ने के लिए तो मैं निश्चित चुनाव लड़ूंगा। पार्टी आदेश देगी तो कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या? मेरा घर गोपालगंज है, जहां लालू जी का भी घर है। मैं विगत चुनाव मात्र 1200 वोट से कुचायकोट 102 कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से मैं हारा नहीं था, मुझे जबरन हराया गया। तो पार्टी अगर लड़ाएगी तो वहां से लड़ूंगा। मुलाकात हुई आपकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से, क्या क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? पुराने घर में किससे बात हुई, किससे नहीं हुई, अच्छा रहता कि राज को राज ही रहने दे, यही मेरे लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए हैं जो काले पांडे हैं, बाहुबली पाने जाते हैं बिहार से, लेकिन फिलहाल चुनाव लड़ते हैं कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन नितिन के साथ प्रीत किरण सिंह, A1 TV के लिए दिल्ली से।